नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरल सिलाई ए टू जेड में। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में 42 चेस्ट वालों के लिए स्लीवलेस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सिखाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज का कपड़ा लिया हुआ है। इसे हम पूरा खोलकर टेबल पर बिछा लेंगे। ये देखिए, इसे इस तरीके से हम टेबल पर बिछा के सेट कर लेंगे पहले। अब बिछाने के बाद हम इसे एक बार फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने पर हमें ये ध्यान देना है कि सीने का चौथाई हिस्सा प्लस 2 इंच आना चाहिए। तो ये देखिए, हमने इसे एक बार फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। हमारा सीना 42 है, तो 42 का चौथाई हिस्सा 10.5 होता है। 10.5 में 2 इंच प्लस करेंगे तो 12.5 आना चाहिए। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। हमें ब्लाउज़ की लंबाई 15 चाहिए, तो हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस निशान से सीने का चौथाई हिस्सा हम निशान लगा लेंगे। कंधे के लिए सीने का चौथाई हिस्सा 10.5 पर निशान लगा लेंगे। अब देखिए, निशान लगाने के बाद हम एक सीधी लाइन बना लेंगे। ये जो निशान है, सीना जितना भी उसका चौथाई हिस्सा होना चाहिए, मतलब सीना 42 है, उसको 4 से भाग देंगे तो 10.5 आ जाएगा। अब 10.5 पर एक निशान लगाने के बाद, सीधी लाइन बनाने के बाद, हम जो कपड़े का खुला वाला हिस्सा है वहाँ से अंदर की ओर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसी 3 इंच के निशान से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। 42 साइज वालों के लिए आर्म होल का निशान 6.5 पर होगा। अब वहाँ से कपड़े के खुले हिस्से में ले जाकर मिला देंगे। अब यहाँ पे आस्तीन के लिए गोलाई दे देंगे हम। अब हम बैक गला बनाएंगे, तो उसके लिए 3 इंच चौड़ा और जितनी भी आपको लंबाई चाहिए उसका हम निशान लगा लेंगे और यहाँ पे गोलाई बना लेंगे। हमारा गले का निशान लग गया। अब कमर जितना भी हो उसका चौथाई हिस्सा, कमर 38 है, उसका चौथाई हिस्सा 9.5 हो जाएगा। 1 इंच प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए हम निशान लगा लेंगे। अब इन सब निशान को मिला लेंगे। अब हम पीछे टक्स के लिए निशान लगाएंगे, तो 10 इंच पर हम एक सीधी निशान लगाएंगे। कंधे की ओर हल्का सा झुकाव दे देंगे हम। अब बस हमारा पीछे का निशान लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमारी कटिंग हो गई। अब इसको इस तरीके से पलट करके दूसरा वाला टक्स का भी निशान लगा लेंगे। ये देखिए, हमारा दोनों टक्स का निशान लग गया। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब इसी कटिंग को रख करके हम आगे की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, जो हमारा कपड़ा है बचा हुआ, इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अब हम ये जो पीछे का कटा हुआ हिस्सा है, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। निशान लगाते समय हमें ये ध्यान देना होगा कि ये जो आगे वाली कटिंग है उसमें 1 इंच नीचे की ओर से और 1 इंच साइड की ओर से एक्स्ट्रा हमें निशान लगाना है। आगे की गले की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकती हैं, जितने भी आपको लंबाई चाहिए।
अब इस तरीके से हम गले का भी निशान लगा लेंगे। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे, तो टक्स का डॉट कंधे के बीचों बीच से 10.5 पर हम लगाएंगे। जितना भी सीना होता है उसका चौथाई हिस्सा टक्स पॉइंट होता है। अब इस टक्स पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ करके बटन पट्टी की ओर, 1.5 इंच छोड़ करके नीचे की ओर, 1.5 इंच छोड़ करके साइड की ओर और 2 इंच छोड़ करके हम आर्म होल की ओर सीधी सीधी लाइन बना लेंगे। ये देखिए, ये 4 लाइन हम बना लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद दूसरी साइड भी हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे। अब हम गले में और आस्तीन में लगाने के लिए तिरछी पट्टियां काट लेंगे। 1 इंच चौड़ी तिरछी पट्टियां हम काटेंगे। अब हम सिलाई शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम पीछे वाला हिस्सा सिलेंगे। तो ये जो हमने टक्स का निशान लगाया था इसको हम 1/2 इंच दूरी पर हम सिल लेंगे। ये देखिए, दोनों हिस्सा हमारा सिल गया है। पीछे वाली हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम ऐसे ही आगे की सिलाई भी कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप हमें फेसबुक पर भी सरल सिलाई A to Z के नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करती हूँ। अब आगे वाली सिलाई करने के बाद भी दोनों का कंधा हम जोड़ लेंगे। कंधा जोड़ने के बाद हम हुक के लिए पट्टी लगाएंगे। तो दाई तरफ हमें 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लगानी है और बाई तरफ हमें 3 इंच चौड़ी पट्टी लगानी है। दाई तरफ हम हुक लगाएंगे और बाई तरफ हुक फंसाने के लिए हम आई बनाएंगे। तो ये देखिए, 1.5 इंच चौड़ी पट्टी हम इस तरीके से आगे की ओर लगा लेंगे। एक सीधी सिलाई चला लेंगे पहले हम कपड़ा लगा कर। अब इसको पलट करके हम किनारे एक सिलाई चला लेंगे।
किनारे एक हम सिलाई पहले चला लेंगे, इसके बाद हम इसके दूसरे वाले हिस्से में हम तुरपन कर लेंगे। जो खुला वाला हिस्सा है यहाँ पर हम तुरपन कर लेंगे। ये देखिए दाएं तरफ का हमारा हुक वाली पट्टी सिल गई है। दाएं साइड की पट्टी लगाने के बाद बाएं तरफ हम 3 इंच चौड़ी वाली पट्टी लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम 1 इंच छोड़ करके सीधी सिलाई चला लेंगे। इसको पलटकर हम इस तरीके से सिल लेंगे जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। एक सीधी सिलाई चला लेंगे, इसके थोड़ी ही दूर पे एक और सिलाई हम चला लेंगे और यहाँ पर हम आई बनाएंगे हुक फंसाने के लिए। ये देखिए 2 लाइन हम बना लिए। अब इसी के बीचों बीच हमें आई बनाना होगा। ये देखिए हमारी हुक वाली पट्टियाँ दोनों सिल गईं। अब हम गला बनाएंगे। तो गला बनाने के लिए जो हमने तिरछी पट्टी काटी थी इसको हम जोड़ लेंगे। अब दोनों पट्टियां जोड़ने के बाद इस तरीके से हम इस पट्टी को मोड़ करके हम गले पर लगा करके सीधी सिलाई चला लेंगे। अब सिलाई कर लेने के बाद हम इसको पलट करके हम तुरपन कर लेंगे। इसमें ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको पहले काट लेंगे, फिर पलट कर हम तुरपन कर देंगे। हमारा गला तैयार हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये गला बन गया है, तुरपन हम कर लिए। तुरपन करने के बाद हम जो आस्तीन है उसमें हम तिरछी पट्टी को लगा करके सिल लेंगे। ये देखिए पहले इस तरीके से हम तिरछी पट्टी लगाएंगे, एक सिलाई चला लेंगे। सिलाई कर लेने के बाद इसको पलट करके हम या तो तुरपन कर लेंगे या तो हम इस पर भी मशीन चला देंगे। ये देखिए मैं इस पर मशीन चला रही हूँ। ये देखिए हमारा आस्तीन बन गया। इस तरीके से हम दोनों आस्तीन बना लेंगे। आस्तीन बनाने के बाद ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम एक बार मोड़ करके या तो तुरपन कर लेंगे या तो सिलाई चला लेंगे। मैं सिलाई चला रही हूँ, आप चाहिए तो तुरपन भी कर सकती हैं। पीछे वाले साइड में भी हम एक बार मोड़ करके हम सिलाई चला लेंगे। इसी तरीके से हम पहले सिलाई चला लेंगे। अब देखिए हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे, तो इसको हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद बीचों बीच से हम इसे एक बार मोड़ेंगे। ये देखिए हमारा 4 कपड़ा इसमें है, तो 4 कपड़ा है। तो अब हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे।
हम इसमें सिर्फ दो ही जगह फिटिंग का निशान लगाना है, एक सीने पर और एक कमर पर। तो सीने का चौथा हिस्सा हम निशान लगा लेंगे 10:30 पर, कमर का चौथा हिस्सा हम निशान लगा लेंगे 9 पर। अब इन दोनों निशान को मिला लेंगे। इसी तरीके से हम पीछे भी निशान लगाएंगे, सीने का चौथा हिस्सा और कमर का चौथा हिस्सा दोनों निशान को मिला करके इस पर हम मशीन चला लेंगे, डबल डबल हम सिलाई चला लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ हमारी सिलाई हो गई। अब हम ब्लाउज को प्रेस कर लेंगे, प्रेस करने से सिलाई बैठ जाती है। ये देखिए हमारा ब्लाउज बन गया है, ये देखिए हमारे पीछे की तरफ का डिज़ाइन। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।